नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल विश्व जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्म कांटे पर डेली रिपोर्ट कैसे निकालें। दोस्तों, अगर आप धर्म कांटे पर रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, चाहे डेली की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं रोज़ की, और चाहे पुराना डाटा यानी पुरानी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कैसे निकालें, पुरानी रिपोर्ट डिलीट कैसे करें, जो आज गाड़ियाँ आपने तो ली हैं उसको कैसे डिलीट करें, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, धर्म कांटे पर डेली की रिपोर्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है और पुरानी रिपोर्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन कर लेना। सारा कंप्यूटर सिस्टम जब ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में ए और कोने में एक बटन होता है ESC एंटर करना है। दोस्तों, उसको एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कई ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे मास्टर, यहाँ पे मटेरियल, पासवर्ड, रैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आप डुप्लीकेट प्रिंट, यहाँ पे डेली इंटरप्रिंट निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट प्रिंट निकाल सकते हैं, और डेली इंटरप्रिंट डुप्लीकेट प्रिंट, यहाँ पे आप कई प्रिंट निकाल सकते हैं, और आप डुप्लीकेट पर्चे अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे लिंक मिलता है एक साइट का, यहाँ पे आप डेट वेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी कंप्यूटर में आपकी अगर गलत हो जाती है किसी कारणवश, यहाँ पे दोस्तों आप डाटा बैकअप, रिस्टोर डाटा, जो पुराना डाटा है वो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का, तो आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपको आज की डेट में, जैसे कि मैं आज 25/11/2021 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इस डेट में अगर मैं ये रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ डेट डालकर। तो मैंने 25/11/2021 यहाँ पे इंटर कर दिए, और लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर दबा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आ जाती है सारी की सारी। जैसे ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई, सीरियल नंबर, गाड़ी का नंबर, मटेरियल, पार्किंग नेम, चार्ज, जो भी चार्ज आपने यहाँ पे डाले हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको देख कर देना, फिर से आपको डेली रिपोर्ट पे आप आ जाएंगे, आपको इंटर दबा देना है। अब दोस्तों, आप अगर कुछ दिन पहले की, अगर एक साल पहले की, या दो साल पहले की, या छः महीने पहले की, या 10 दिन पहले की आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वही डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं 10 दिन पहले निकालता हूँ, 10/11/2021, फिर मैं यहाँ पे 25/11/2021, 10 दिन पहले से आज तक की मैं रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ और इंटर दबा देना है। इंटर दबाएंगे फिर यहाँ पे जो है पुराना डाटा सब कुछ यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। जो भी दोस्तों आपने गाड़ियों को तुला होगा, जो भी चार्ज लिया होगा, सब यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको ES वाले ऑप्शन पर जाकर देख हो जाना है। अब दोस्तों, अगर आपको रिपोर्ट डिलीट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो है पैसे डाले, चार्ज डाला है, आपने गाड़ियों को तुला है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी पर जाना है। ठीक है दोस्तों, यूटिलिटी पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है साउथ बैकअप डाटा में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ISO आपको देख हो जाना है। देखने के बाद आपको एक साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक साइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, जो डेट आप जिस भी डेट में आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं आप डेट डाल देता हूँ, आज मैं 25/11/2021 की जो है डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25। मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया। उसको क्या करना है, कोने वाला ऑप्शन दबा देना है, और लास्ट में जो आपको मास्टर का ऑप्शन मिलता है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट आपको चूज कर लेनी है एक साइड पे क्लिक कर, फिर उसके बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ डिलीट वाले ऑप्शन पे लाकर यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पे आपको लाकर इंटर दबा देना है और आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब पर धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।